इस समय हमारे साथ हैं राकेश सचान जी, जिनको लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, एमएसएमई जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी जो विभाग आपको मिले हैं? देखिए, एमएसएमई एक गांव से, छोटे उद्योगों से, लघु उद्योगों से जुड़ा हुआ विभाग है। खादी है, वो भी गांव से जुड़ा है। वस्त्र उद्योग है आपका, रेशम उद्योग है और हथकरघा है। ये सब बुनकर और ग्रामीण से जुड़ा मंत्रालय हमारे योगी जी ने हमें दिया। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया। मैं जो मोदी जी का विजन है, जो योगी जी का विजन है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। उन उद्योगों का प्रोत्साहन जो देने का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्यमी बनावे और तमाम लोगों को इससे जोड़ें, वो सब काम हम लोग करेंगे। बैठ के अधिकारियों से 100 दिन का रोड मैप बना के फिर आपसे विस्तार से बात। पिछली सरकार में खादी को लेकर कई महत्वपूर्ण काम हुए, चाहे खादी को प्रमोट करना हो, आप भी खादी के मंत्री हैं निश्चित तौर पर, बुनकर भी आपसे विभाग से जुड़े हैं, तो उनकी भी तमाम परेशानियां, तो उनकी क्या भी प्राथमिकता रहेगी? हाँ बिल्कुल, जो भी परेशानियां हैं बुनकरों की या हमारे इससे जुड़े मंत्रालय से, जो भी खामियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको सब दूर किया जाए। धन्यवाद। तो राकेश सचानी साहब, साहब कहना है कि जो भी समस्याएं हैं बुनकरों की और जो खादी को कैसे और आगे ले जाएं, इसको लेकर वो कार्य करेंगे अगले 5 सालों में, 100 दिन का रोड मैप बनाकर, और निश्चित तौर पर इस विभाग को आगे ले जाने काम करेंगे। कैमरा मैन सुमन के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जीएमडी न्यूज। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।